object pronoun. Object pronoun, when we use a pronoun at the place of object, it is called object pronoun. For example, me, us, you, it, them, him, her. These all are object pronoun. देखिए, आपको याद होगा मैंने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको दी थी. रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. काम वसूल करने वाला या जिस पर काम किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो काम रिसीव कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है कि जो काम रिसीव कर रहा है पहली दफा में, उसकी जगह जो नाम आ जाए उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो ऑब्जेक्ट के जगह आता है. वो क्या क्या होते हैं? वो 7 होते हैं. कितने होते हैं? 7. कितने होते हैं? 7. क्या है पहला? मी. उर्दू के साथ देखें, मुझे. मी, मुझे. यू, तुम, आप, तू. तू तड़ाक की जबान में तू कहा जाता है. आप, यू को आप कहा जाता है, या तुम कहा जाता है, या तुम्हें कहा जाता है. तो आगे देखते हैं, हिम, उनको या उसको. इसकी दो उर्दू है, उनको या उसको. मर्द के लिए या बंदे के लिए या लड़के के लिए. लड़का या मर्द एक ही बात होती है. लड़का या मर्द के लिए इस्तेमाल आप क्या करेंगे? हिम. उनको या उसको, इसकी उर्दू ये होती है. हर जो है वो भी, इसकी भी उर्दू सेम होती है. फर्क सिर्फ इतना ये होता है कि ये लड़की के लिए या औरत के लिए इस्तेमाल होता है. उनको या उसको, सही है. इसकी उर्दू क्या होगी? उनको या उसको. अस, यू एस, अस. अस की उर्दू क्या होती है? हमें. अस की उर्दू क्या होती है? हमें. देम, उन्हें. देम, उन्हें. देम की उर्दू क्या होती है? उन्हें. इट, ये. इट की उर्दू क्या होती है? ये. आपको याद होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट था, उसमें भी ये आया था, और यहाँ पे भी ये आया है. जो भी चीज प्रपोजिशन के फौरन बाद आती है या वर्ब के फौरन बाद आती है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और ज्यादातर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में रिप्लेस हो जाता है. क्योंकि पहली दफा में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सेकंड टाइम में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. आप एग्जांपल पे देखें कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया है. एग्जांपल मैं उर्दू में भी साथ में बताऊंगा, तो तवज्जो से देखें और सुने. कैन शी हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद कर सकती है. यहाँ पे हमारी के लिए अस का इस्तेमाल किया गया है. दे विजिटेड हर यस्टरडे. दे विजिटेड हर यस्टरडे. वो उनके घर गए थे. उनके, देखिए यहाँ पे लफ्ज क्या आ रहा है, उनके. या वो उसके घर, वो लोग उसके घर गए थे कल. उसके या उनके, दो उर्दू आ रही है, सही है. She wrote him a letter. उसने उसे खत लिखा. उसने उसे खत लिखा, यानी एक लड़की ने लड़के को खत लिखा. I will give you money. मैं तुम्हें पैसे दूंगा. You की उर्दू क्या आ रही है? तुम्हें. देखें वहां पे तुम, आप भी था, और तुम्हें. इसकी एक्चुअल उर्दू क्या होती है? तुम्हें. I will give you money. मैं तुम्हें पैसे दूंगा. Can you tell me your name? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? I like you, but you don't like me. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते. आगे देखते हैं. Do you really hate her? Do you really hate her? क्या तुम वाकई में उससे नफरत करते हो? She loves sitting next to him. उसे उसके सामने बैठना पसंद है. She always writes emails to us. वो हमेशा हमें ईमेल लिखती है. He is talking to her about it. वो उसके बारे में ये बात करता है.
पार्ट बनाया है चार्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विद मीनिंग. सब्जेक्ट आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वो लड़के के लिए, शी, लड़की के लिए, और इट, ये आपको याद होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ. और अभी जो हम पढ़े, मी, मुझे, अस, हमें, यू, तुम, तुम्हें, ही, उनको, उसको, लड़के के लिए, हर, उनको, उसको, उसकी, उसको, हर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लड़की के लिए इट, ये. आगे देखते हैं, दे एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं और देम एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं. दे में उर्दू क्या आती है, वो शुरू में, और देम में उर्दू क्या आते हैं, उन्हें. सही है. अब देखते हैं इसके, आर यू टॉकिंग टू मी, इसमें यू क्या है, आर यू शुरू में आ रहा है, आपको याद होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं देखा तो आप सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा, आर यू टॉकिंग टू मी. देखे टू मी, टू क्या है, प्रपोजिशन, टू के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी. और यहां पे यू ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट है, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है. आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो. नो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रहा. मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और तुमसे, तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुमसे बात कर रहा. डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे, क्या क्या तुम मुझे नहीं जानते. डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते. देखो शुरू में जो यू आ रहा है तुम, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और आखिर में जो मी आ रहा है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. हैव यू एवर सीन हिम बिफोर, हैव यू एवर सीन हिम बिफोर, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है. हैव यू सीन हिम, हैव यू एवर सीन हिम बिफोर, क्या तुमने उसे कभी देखा है. हैव के बाद जो यू आ रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और सीन के बाद जो हिम आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. You love me or hate me, but I really love you. तुम मुझसे मोहब्बत करो या नफरत करो, but लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा. इसमें जो I, you है पहला वाला, ये subject है, me object है, फिर दोबारा me object है, फिर I subject है, और फिर you object है.